हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मायके, यानी मतलब ये हमारी माँ है और घर आए हैं मेरी बिटिया। इनसे मुझे बहुत पहले चिंता रहा। अरे रो मगर जब से अपने घर ससुराल शादी हो गई, अच्छी तरह आती जाती हैं, तो हमें सब दुख भूल गया कि हमारी बिटिया ठीक तो है, अपने घर में खाए कमाए रही अच्छी तरह। और हैं और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि जब तक दोनों प्राणी का जीवन रहे, हंसी खुशी सब अच्छी तरह बीत जाए। यही आप लोग से भी निवेदन, यही मेरा भी है कि हमारी बिटिया मेरे आशीर्वाद से अच्छी तरह रहे। हेलो दोस्तों, हमारी माँ है कि तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, और मतलब काफ़ी समय बाद हम इसे मिल रहे हैं, थोड़ा भावुक भी हो गई है। और भावुक होना स्वाभाविक है क्योंकि मतलब हम कानपुर और ये लखनऊ में, तो आज मिलने आए हैं, वो देखने आए हुए हैं। और दोस्तों है क्या, माता पिता के आशीर्वाद से ही बच्चे कुछ बन पाते हैं, तो माता पिता का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारी माँ बहुत खुश हैं, इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा कि हम बता नहीं सकते। हम 1.5 साल के थे तभी पोलियो हुआ था, और जबकि हमारा ननिहाल जो है हजरतगंज का है, हमारी माँ शहर की थी पर यहाँ गांव में पड़ गई थी। फिर अपनी माँ की अकेली बेटी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने गाँव में रह करके खूब अच्छे से संभाला। और बताइए, हम लोग छोटे छोटे थे तो कैसे परवरिश की होगी, हमें पोलियो हो गया था तो कैसे डॉक्टर के यहाँ ले जाती होगी। जॉइंट फैमिली में रह करके मतलब बच्चों को संभालना, और अगर बीमार हो बच्चा तो सोचो कितनी बड़ी बात होती है, लेकर के कैसे डॉक्टर के यहाँ जाती होंगी, उनका इलाज कराना, क्योंकि मतलब पोलियो वगैरह का इलाज तो लंबे समय तक चलता है, तो कैसे इन्होंने क्या किया होगा ये तो यही जान सकती हैं या भगवान जान सकता है। और बाकी भाई, हम तो बड़े हो गए तो हमें ये लगता है कि हमारा बहुत ध्यान रखी, और मतलब इन्हीं की वजह से, जबकि मेरे तो दोनों पैरों में पोलियो हो गया था, हम बैठ भी नहीं पाते थे, तो काफ़ी इलाज कराया होगा तभी इतना शरीर में पोलियो हो गया। मगर दवा के बूते दवा करते करते पहले उठ के बैठे लगी, फिर थोड़ा चरपैया पकड़ के खड़ी होए लगी, तब हमें विश्वास हो गया कि अब हमारी बिटिया का अच्छे डॉक्टर मिल गए, अब ठीक हो रही हैं। फिर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में कहीं इनका दिखा दियो तो जूता उता बन गई है और पार सीधा भी हो गई है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज ले गए भर्ती कराएँ, और वहाँ से इनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होकर फिर ठीक हुई तो जूता बनवाएँ, उसी के सहारे फिर ये सब कहीं आने जाने लगी हैं। इनको फिर चलने में कोई दिक्कत नहीं रहती थी, अच्छी तरह चलती थी, अच्छी तरह आती जाती थी, पढ़ाई लिखाई में दिमाग इनका ज़्यादा था, सब बच्चों से ज़्यादा इनके दिमाग रहा, और सबसे गुणदार भी हुनरदार भी, दिमाग में भी सही, सब बच्चों से सही। सिर्फ इतनी भगवान के घर से पता नहीं क्या कमी थी कि भगवान ऐसी उम्र पर इनको 1.5 साल में इतनी तकलीफ दे दी। और हम तो इलाज यही कहें, अरे लड़का होता घर का रहता पड़ा रहता, मगर बिटिया जात हम कहाँ लेके जाएंगे कैसे। मगर जैसे हमें चिंता रहती थी वैसे भगवान हमें इनको खुशी कर दिया देख के। जब हम पहले जब भेजा है यहाँ से तो हम रोते थे, इनके पापा आए कहें काहे रो रहे, हम कहें हमारे बिटिया घुमा है पता नहीं कैसे कैसे नहीं, कहें अरे ठीक है चलो तुमका दिखा जाए। जब हम अपने हाथ से अपने उसे देख यान अपनी निगाह से, तब हमें फिर हम सारी चिंताएं छोड़ दी हैं, हम कह नहीं नहीं इनकी हमें चिंता रहत रही, बिन से हम छुटकारा पाएंगे ना, अच्छी तरह खा कमा रहे हैं, पति देव भी उनके अच्छे मिल गए, सर्विस करते हैं, अपन खा कमा रहे हैं, एक तो बेटा है, भगवान उनको आगे बढ़ाए, ज्ञान बुद्धि दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, हमारी तो दुआ ये है। तो दोस्तों ये है, हमारी माँ ने भी अपना अनुभव बताया है आप लोगों को कि मतलब कैसे हमारी शादी के बाद मतलब परेशान रहती थी कि हाँ कानपुर से शादी हुई, पता नहीं कैसा घर है क्या है, क्योंकि ये घर तो देखने गए नहीं थे, पिताजी गए थे तो उनको पता था कि ससुराल कैसी है,
पर इन्होंने जब खुद अपनी आंख से देख लिया तब इनको विश्वास हो गया कि हम कैसे घर में पड़े हैं, हमारी ससुराल कैसी है, हमारे पति देव जी कैसे हैं, बाकी हमारे परिवार के जैसे हमारे देवर, हमारे ससुर जी, सासू माँ तो थी नहीं, तो सब लोग कैसे हैं। तब इनको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद से इन्होंने मेरी चिंता छोड़ दी। इसको दोस्तों आज आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए और थोड़ा ये भावुक भी हो गई हैं। खैर माँ है तो स्वाभाविक भावुक होना, क्योंकि अगर इनकी जगह पर हम होते तो हम भी यही करते जो हमारी माँ ने किया। तो ये है दोस्तों हम आए हुए हैं और मेरे हस्बैंड भी यहीं बैठे हुए हैं और ये हमारी सबसे छोटी सिस्टर है। तो ये चीज़ है, जब भी हम यहाँ आते हैं मिलने के लिए, जब भी मिलने के लिए आते हैं तो मतलब जितने सारे लोग हमारे आसपास लोग रहते हैं तो सब लोग जानते हैं कि आती हैं, रुकती हैं नहीं, वापस चली जाती हैं। तो माँ से या सिस्टर से या भाभी जी से बोलते हैं कि मतलब जब भी आए तो हमें बता दीजिएगा, हम आगे मिल लेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से मिले नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मिलने के लिए और अभी तो हम आए हुए हैं, चाय पानी हो चुका है और अब है खाने का नंबर। आप लोगों को भी अगर खाना खाना है तो खाना खाइए आके, और मेरे हस्बैंड जो बैठे हैं ना इनसे जरा पूछिए। नमस्कार दोस्तों, और हम लोग आ गए, भावुक पल है माता जी के साथ, और हम भी जब हमें भी ये लगता है कि इनको पता, हमें चला कि इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो मैंने उसी दिन कहा कि अब की बार सैटरडे या संडे में ज़रूर चलेंगे हम लोग मिलने। हम लोग ने अपना प्लान बनाया और हम लोग अब आ गए हैं और माता जी के साथ विमला जी जो है बैठी हुई हैं। और दोस्तों ये हमारी बड़ी दीदी हैं, बड़ी दीदी भी आई हुई हैं, यहाँ खड़ी हैं। तो मैंने कहा अपनी दीदी का भी इंट्रोडक्शन करवा दें आप लोगों से। ये बड़ी दीदी हैं और ये हमारी छोटी सिस्टर हैं, क्योंकि हमारे से ये छोटी है। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप लोग देख के बताइएगा, हम अपने मायके आए हुए तो हमें तो भाई बहुत खुशी हुई, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एक्चुअल में है क्या, हम रुक ही नहीं पाते, आप तो जानते हैं मेरे हस्बैंड के साथ कितनी दिक्कत है अगर हम रुक जाएंगे, जबकि सारी चीज़ें इनको नहाने के लिए तौलिया हर एक चीज़ में हमें ही करना पड़ता, अगर हम रुक जाएंगे तो फिर तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से हमें रुकना नहीं पड़ता, जाना पड़ता वहाँ पे। ये चीज़ है दोस्तों, अब और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा दोस्तों, अब फिर हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।